हेलो माय लवली वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुपर टेस्टी और इजी एग रोल बनाने की रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट के लिए बहुत आसानी से बना सकते हैं। यह सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। मैं एक कटोरी मैदा ले रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच बेकिंग पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर दीजिए। इससे जो है आपका बेस बहुत सॉफ्ट बन जाता है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ अंडा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अंडा जैसे ही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें हम डालेंगे दूध। तो ये जो बैटर है, मैं इसे दूध और पानी दोनों मिक्स करके बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो पूरी तरह इसे दूध से बना लें या पूरी तरह पानी से बना लें, इससे इसके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस दूध से जो है इसके सॉफ्टनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए, मैंने इसमें एक कप दूध डाल दिया है इस बैटर को बनाने के लिए, और साथ ही मैं इसमें एक कप मैं डाल रही हूँ पानी। इस बैटर को बनाते हुए आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर होना चाहिए इस तरह से, और बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने इसमें एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और बस हमारा बैटर बनके तैयार हो गया। इसे साइड में रख देते हैं और इसके फिलिंग के लिए रेडी कर लेते हैं हम। तो फिलिंग के लिए हमें चाहिए दो अंडे। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर। कुछ सब्जियाँ डालेंगे हम इसमें, शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें, और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, और नमक डाल देते हैं। और आपको इसमें हल्दी भी डालना है। हल्दी से क्या होगा, इसमें एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, जिससे आपके जो रोल है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो देखिए, मैंने फिलिंग के लिए भी रेडी करके रख लिया है। और अब आपको क्या करना है, पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने इसे ग्रीस कर लिया है, और अब जो हमने बैटर बनाया था वो उस पर इस तरह से हम डाल देंगे, जिस तरह से रोटी या पराठा होता है उस शेप में हम इसे डाल देंगे। तो देखिए, मैंने बैटर को पैन पे डाल दिया है पूरी तरह से राउंड शेप में, और जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, उस पर हम डाल देंगे ये अंडे की फिलिंग जो हमने बना कर रखी थी। इसे फैला देंगे और बस इसे 2 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ही ये पक जाए, इसे हमें टर्न कर लेना है। तो ये बहुत आसानी से पलट जाता है, बिल्कुल टूटेगा नहीं। तो देखिए, हमने इसे दोनों साइड से सेक लिया है, तो ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक गया है, और अब बस आपको इसे निकाल लेना है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो अंडा पसंद नहीं करते हैं, अगर आप इस तरह का नाश्ता बनाकर बच्चों को सर्व करेंगे तो उन्हें खाने में भी अच्छा लगेगा और बनाना भी आसान है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरह से देखिए, मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। आपको बस बैटर को स्प्रेड करना है पैन पर, फिलिंग को इस तरह से इस पर लगा देना है, और जैसे ही ये पक जाए, इसे दोनों साइड से सेक लें। और अगर आप चाहते हैं इस नाश्ते को थोड़ा और एक्स्ट्रा इसका टेस्ट एनहांस करना चाहते हैं, तो आप इस पर थोड़ा से चीज़ स्प्रेड कर दीजिए। अगर नहीं है तो मैंने जिस तरह से पहला वाला बनाया सिंपल, उसी तरह से आप भी बना लीजिए। तो देखिए, एग रोल बनके तैयार हो गया है। इसे बस अब हम रोल कर लेंगे और फिर इसके पीसेस में कट कर लेंगे। तो अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज चाहते हैं, तो आपको वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक करना है, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो देखिए, हमारा नाश्ता बनके तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।